नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार में शराबबंदी के बीच गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। लेकिन शराब से हुई मौतों के परिजनों के दावे को प्रशासन ने किया खारिज। प्रशासन ने कहा मौतें किसी और वजह से हुई। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमला। बारामूला में 2 जवान समेत 3 सुरक्षा बल शहीद। पुलवामा में ग्रेनेड हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। पाक आर्मी चीफ से कहा कश्मीर में भेजो आर्मी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर खुफिया एजेंसियों की नजर। आज मुंबई में अपने भांजे की शादी में स्काइप के जरिए जुड़ने की आशंका। कई गुर्गों के भी पहुंचने की खबर। गुजरात के ऊना में फिर हुई हिंसा के मामले में 22 आरोपी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस के दिन रैली कर लौट रहे दलितों से मारपीट के बाद हुआ था बवाल। हिंसा में 8 लोग हुए थे जख्मी। भारत के विरोध के बावजूद पीओके में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा चीन। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया दावा। इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना को लेकर भारत को उदार रवैया अपनाने की दी नसीहत। रियो में चमकी भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची चीन की खिलाड़ी वांग हियान को हराकर बनाई जगह। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।